नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम के खिलाफ 348 रनों का पीछा करते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की वनडे इंटरनेशनल में रन का पीछा करते हुए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। रॉस टेलर ने नाबाद 109 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। हार के बाद सुनील गावस्कर और वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि भारतीय कप्तान विराट कोहली से कहां चूक हुई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के 103 रनों की बदौलत और साथ ही साथ के राहुल के 88 रनों की पारी के दम पर 347 रन का स्कोर खड़ा किया था। न्यूजीलैंड ने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए खराब शुरुआत के बाद भी एक बड़ी जीत दर्ज की। रॉस टेलर ने नाबाद 109 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान टॉम लेथम ने 69 रनों की पारी खेली। 48.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने जीत का इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। हार के बाद सुनील गावस्कर और वीवीएस लक्ष्मण ने बताया कि कप्तान विराट कोहली से मैच में कहां चूक हुई। गावस्कर ने कहा, हर एक मैच में एक गेंदबाज का ऑफ डे जरूर होता है। इस मैच में केदार जाधव से गेंदबाजी नहीं कराने का फैसला कप्तान के लिए नुकसानदायक रहा। जाधव को गेंदबाजी करनी चाहिए थी। शार्दुल ठाकुर ने 9 ओवर में 80 रन दे दिए और वो सबसे ज्यादा महंगे साबित हुए। वहीं कुलदीप यादव ने भी 8 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन लुटाए। 10 ओवर में उन्होंने 84 रन खर्च कर दिए। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने 9.1 ओवर में लगभग 7 की इकोनॉमी से 63 रन दे दिए, तो जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 53 रन दिए। वीवीएस लक्ष्मण ने भी ऐसा ही कुछ कहा। उन्होंने लिखा, मैच में कप्तान विराट कोहली ने केदार जाधव से गेंदबाजी में प्रयोग नहीं किया। जाधव से गेंदबाजी करानी चाहिए थी। उन्होंने इससे पहले भी छठे गेंदबाज की भूमिका निभाई है। मैच में एक गेंदबाज का खराब दिन जरूर हो सकता है, इसकी भरपाई जाधव कर सकते थे। उनको गेंदबाजी में आजमाना चाहिए था। तो वहीं नवदीप सैनी को भी टीम में ना चुनना हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि नवदीप के पास रफ्तार है और उस रफ्तार के साथ नवदीप के पास सटीक लाइन लेंथ और खतरनाक यॉर्कर भी है। तो अगर नवदीप मैच में होते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था। तो वहीं केएल राहुल से ओपनिंग ना कराना भी एक वजह मानी जा सकती है। तो आपका क्या मानना है, हार की बड़ी वजह आप किसको मानते हैं? क्या नवदीप को खिलाया जाना चाहिए था? क्या राहुल से ओपनिंग कराई जानी चाहिए थी? आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।